हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको उस देश की सैर कराने जा रहे हैं जिसे कभी नॉर्थ स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस देश को लेकर कई लोगों के मन में बहुत दुविधा रहती है कि क्या ये देश सेफ है कि नहीं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये देश सुरक्षा के मामले में नंबर वन है। यहाँ का खाना अगर आपने एक बार खा लिया तो समझिए कि आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों ये देश कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो देश है लेबनान, जिसके बारे में आज आपके साथ वो सब कुछ हम शेयर करेंगे जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि लेबनान देश एशिया में है और इसे लेबनान गणराज्य कहा जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और कहते हैं कि लेबनान देश की खूबसूरती रात के अंधेरे में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है ये मानो कोई गहना हो। लेबनान देश की सीमा की अब बात करते हैं, जो कि दक्षिण में इजराइल से और उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। दोस्तों यही एक वजह है कि हर कोई लेबनान जाने से डरता है, क्योंकि सीरिया इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक देश जो है। लेकिन आपको बता दें कि लेबनान मिडिल ईस्ट के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। वैसे दोस्तों आपने जब भी अरब देशों के बारे में सुना होगा, आपको यही लगा होगा कि यहाँ या तो रेगिस्तान होगा और ऊंट होगी। लेकिन दोस्तों इस देश में ऐसा कुछ नहीं है। लेबनान के अंदर आपको ना तो कहीं रेगिस्तान देखने को मिलेगा और न ही कहीं ऊंट। साल 1960 के दशक के दौरान लेबनान को पूर्व के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता था, और इसकी वजह थी यहाँ की वित्तीय दृढ़ता और विविधता। लेबनान के लोगों का मानना है कि ये देश दुनिया का सबसे अलग देश है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के ऊपर ऊपर वाले की रहमत बसती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जीसस ने अपना सबसे पहला चमत्कार इसी देश में करके दिखाया था। इस देश में बहुत खुशहाली है भाई, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो क्योंकि लेबनान देश के बारे में ज्यादातर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। बट दोस्तों यहाँ के लोगों के पास खूब पैसा है और वो बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं। इस देश के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया में है जरूर, लेकिन इस देश के लोगों का रहन सहन वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ के लोग आपको वेस्टर्न सोच के ज्यादा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपकी ये जानने में रुचि है कि लेबनान देश के लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कोई अंदाजा है आपको? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि इस देश में सोने के भंडार हैं। जी हाँ दोस्तों, सोने के भंडार, जो कि इस मुल्क को धनी बनाते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये देश भी बहुत छोटा है। लेबनान भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन जब बात आती है कि यूनिट के तौर पे काम करने के, तो यहाँ के लोग अपनी सरकार की एक आवाज पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद लेबनान दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन समुद्री तटों, स्वादिष्ट व्यंजनों, शानदार नाइट लाइफ और सुरम्य पहाड़ों के साथ ये एक अविश्वसनीय पर्यटन स्थल है। ये देश अपने समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी काफी फेमस है। लेबनान की आधिकारिक भाषा है अरबी, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और अर्मेनियन भी यहाँ बोली जाती है। दोस्तों लेबनान और हमारे बीच भले ही हजारों मीलों की दूरी हो, लेकिन वहाँ का खान पान भी हमारे यहाँ की तरह ही है। जैसे मसाले हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं, वैसे ही मसाले वहाँ के भोजन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ शासन भले ही तुर्कों का रहा हो या फ्रांस की हवा चलती हो, लेकिन खान पान काफी हद तक हमारे जैसा ही है। लेबनान में भी हमारी तरह अनाज, सब्जियों, काबुली चने, तिल आदि को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ के खान पान को दुनिया की प्राचीनतम भोजन परंपराओं में शुमार किया जाता है। अपने शोरमा तो जरूर खाया होगा, पर क्या आपको पता है कि इस डिलिशियस डेलिकेसी की जड़ें लेबनान में हैं? दोस्तों अगर आपको गोट मीट पसंद है, तो आपके लिए लेबनान से बढ़िया डेस्टिनेशन कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ गोट मीट को जमीन के अंदर गाड़ के बनाया जाता है। वैसे दोस्तों मीट से याद आया कि इस तरह की एक डिश हमारे राजस्थान में भी बनाते हैं। कहीं इन्होंने हमारे यहाँ से तो कॉपी नहीं की है ये डिश। खैर जो भी हो, आप अगर लेबनान जाते हैं तो गोट मीट का स्वाद चखना मत भूलिएगा। वैसे आपको गोट ज्यादा पसंद है या चिकन? मुझे तो चिकन ज्यादा पसंद है। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत वेस्टर्न है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये अरब के तमाम देशों में से पहला ऐसा देश है जिस देश ने अपने लोगों को टीवी देखने और रेडियो सुनने की आजादी दी थी। इतना ही नहीं, इस देश ने अपने महिलाओं को भी कई छूट दी है। लेबनान में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम भी लेबनान ही है, और ये तकरीबन 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पे है। कई लोगों का मानना है कि वास्तव में इस देश का नाम यहीं से लिया गया। दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला देश बन गया था। इनफैक्ट बेरूत ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों आपको बता दूं कि आज भी यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और लेबनान की कुल कमाई का 10% हिस्सा इसी शहर को विजिट करने वाले लोगों से आता है। दोस्तों ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि इस शहर को इतिहास में 7 बार खत्म कर दिया गया, लेकिन यह शहर हर बार पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनकर उभरा।
दोस्तों आज की तारीख में इस शहर को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज में से एक माना जाता है। जब भी बात होती है अरब के देशों की तो कई बार ये बात मन में आती है कि क्या यहाँ भी बहुत ज्यादा कड़े नियम तो नहीं होंगे, क्या यहाँ भी लड़कियों को उतनी ही आजादी मिलती है जितनी की दूसरे अरब देशों में मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में लेबनान बाकी के अरब देशों से बहुत अलग है। यहाँ महिलाओं को वो सब आजादी मिली है जो कि पुरुषों के पास है। अगर आप लेबनान गए तो यकीन मानिए यहाँ की नाइट लाइफ आपको मदहोश कर देगी। राजधानी बेरूत के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता ही नहीं है, और ऐसे में यहाँ भी रात भर पार्टी होती रहती है। आपको लेट नाइट में भी लोग रोड पे घूमते नजर आ जाएंगे। इस देश में मेनली इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि दो ऐसे मौके हैं जिसे ये देश भूलना चाहेगा, 1975 और 1990। इन दोनों सालों में यहाँ बहुत भयानक गृह युद्ध छिड़ गया था और कई लोगों की जान गई थी। आपको बता दूं कि लेबनान में रोमन साम्राज्य के समय मैक्सिमम लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे, लेकिन 11वीं सदी के बाद इस देश में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और देश में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। और आज यहाँ तकरीबन 55% इस्लाम धर्म को मानने वाले और 42% ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। आपको बता दूं कि लेबनान का मौसम बहुत सुहाना होता है, और वो भी सालों भर। दोस्तों यहाँ ठंड के मौसम में तापमान 13 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं गर्मी में टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है। कहा जाता है कि अगर इस देश में घूमने जाना है तो नवंबर दिसंबर के महीने सबसे बेहतरीन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी प्लानिंग है लेबनान जाने की तो याद रखिएगा कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा नहीं होती और न ही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है लेतानी रिवर, जो कि करीब 140 किलोमीटर लंबी है। इस नदी के आसपास में ही लेबनान देश के सारे बड़े शहर हैं, और उन सब शहरों की लाइफ लाइन है ये नदी। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच मछली पकड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। जी हाँ, यहाँ आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका पूरा परिवार मछली पकड़ने वाले बिजनेस पे ही निर्भर है। उनमें से एक जाति तो ऐसी भी है जो कि नदी में ही रहती है, नदी ही उनका ठिकाना है। दोस्तों वो नदी से बाहर निकलते ही नहीं, क्या बात है यार। लेबनान का एक और बिजनेस जो कि दुनिया भर में बहुत फेमस है वो है गहनों का बिजनेस। गहने एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ डिजाइन किए गए गहनों को दुनिया के हर हिस्से में एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है। लेबनान का सोना दुनिया भर में नामी है। दोस्तों मैंने आपको बताया ही कि लेबनान का नाइट लाइफ बहुत अच्छा होता है, और यहाँ एक बार है जिसका नाम है स्काई बार, जिसे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब्स में से एक माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार को लगातार 3 मर्तबा बेस्ट नाइट क्लब का अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि लेबनान देश के लोगों के बीच ब्लेजर बहुत पॉपुलर है। जी हां दोस्तों, यहां आपको हर 10 में से 8 इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ब्लेजर में मिलेंगे। यहां के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि 14 फरवरी के दिन, जिसे दुनिया लव डे, वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाती है, इस देश की राजधानी बेरूत को बिल्कुल लाल रंग से सजाया जाता है उस दिन। यहाँ के यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां मिलकर पार्टी करते हैं, और ये जश्न पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाता है। अमेजिंग यार। लेबनान का ब्रेड बहुत अलग होता है। अगर आप लेबनान जाएं तो यहाँ का ब्रेड जरूर खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश में आपको सबसे टेस्टी और सबसे फ्रेश ब्रेड मिलता है, और शायद यही वजह भी है कि लेबनान ही आसपास के देशों में ब्रेड की सप्लाई करता है। एक और चीज कि लेबनान में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप बड़े बड़े देशों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हर 10 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, जबकि यूरोप के देशों में हर 100 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होता है। और अभी जो हालात हैं उसमें डॉक्टर की क्या कीमत है वो तो हमने देख ही लिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में एक अलग ही किस्म का नियम है, और वो ये है कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें उस जमीन पे। यहाँ की सरकार का कहना है कि जमीन भले ही आपकी हो सकती है, पर उस पे उगने वाला अनाज आपका तभी हो पाएगा जब आप टैक्स पे करेंगे। और ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि यहाँ पर एक ही जमीन के टुकड़े के दो मालिक भी हो सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मिडल ईस्ट में लेबनान पहला देश है जहाँ लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव किया गया और संसद की स्थापना की गई। लेबनान देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ साक्षरता दर 98% है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि लेबनान के बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या सरकारी स्कूल्स की, हर जगह टॉप क्लास पढ़ाई होती है। लेबनान देश बहुत पुराना है, लगभग 7000 सालों से भी ज्यादा पुराना। कहा तो ये भी जाता है कि ये मिडल ईस्ट के सबसे पुराने देशों में से एक है। ये देश कितना पुराना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की हर पुरानी से पुरानी किताब में इस देश का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि एक खूबसूरत देश 1516 और 1918 के बीच ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1948 से लेकर 1975 तक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज यहां आते रहे, और वो इस देश में सेटल भी हो गए। हालांकि आज भी इनको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। मार्च 1978 में इसराइल की सेना ने इस देश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अमेरिका के दबाव के बाद इसराइल पीछे हट गया, लेकिन आज भी कई बार इसराइल के सैनिक इस एरिया में घुस आते हैं।
दोस्तों अंत में आप सबको बता दूं कि लेबनान में 1945 में ही एक कानून ऐसा बना जिसके तहत यहाँ कोई भी इंसान किसी और देश का झंडा नहीं लहरा सकता और यहाँ इसका खूब ख्याल भी रखा जाता है। तो दोस्तों ये था लेबनान, कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइए। क्या आप कभी गए हैं वहाँ हमें जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।